2019-2020 का एक्ट है, मैं समझ गया बट सब आपकी बात बहुत अहम नुकते जो हमारे दो फर्स्ट चैलेंजेस है उसमें से एक है। देखिए पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की जगह पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाएगा। अब कमाल की बात यह कि सिंध से उसमें कोई नुमाइंदगी नहीं, उसमें सिंध से कोई नुमाइंदगी नहीं। दूसरा आप लोगों के इलम में होगा कि वो एमडी गेट का एग्जाम जो है, एमडी गेट का एग्जाम एक ही इदारा लेगा, 2 लाख बच्चे, 1,95,000 इनफैक्ट फिगर, 2 लाख बच्चे इस्लामाबाद में एग्जाम देंगे ऑनलाइन और वो तय करेंगे, उनकी परसेंटेज भी बहुत हाई है। अच्छा सूबों का सिलेबस डिफरेंस है, डिफरेंट है उसमें, तो उनकी तावीलात तौजीहात अपनी जगह, लेकिन इस सिस्टम में खराबी है, इस चीज में खराबी है कि ये एक तरह से आपने पता नहीं क्यों समझे एक मखसूस तबके को नवाज दिया है, इससे ये झलक आती है। और जिन लोगों को टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है उनका कोई माजी में तजुर्बा भी नहीं है, IBA NTS वगैरह जिस तरह होते हैं जो टेस्ट लेते हैं वो तो रजिस्टर्ड भी सुना है बाद में हुए, वो मैं देख रहा हूँ उस मसले को, फिर कहूंगा तो आप कहेंगे कि यार आप तो पॉलिटिकल बात करने लगे, लेकिन बहरहाल ये हुआ है, आपके सामने हुआ है और लोगों को उसमें शायद नवाजा भी गया है, लेकिन हतमी तौर पर भी नहीं कह सकते। यस हम इस PMC को रिव्यू करने जाएंगे, इंशाल्लाह जा रहे हैं इसमें, क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट है, इसमें हमें मुस्लिम लीग नून से हमारी बात हो रही है और उसके बाद हमारे मुर्तजा से भी बात होगी और बाकी दोस्तों हमारे JUIA यकीनन, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये स्टांस है और वैसे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम PMC को रिव्यू में ले जाए। इसके लिए बड़ी मुश्किल आते हैं, तुलवा को मुश्किल आते हैं, सूबों को, छोटे सूबों को मुश्किल आते हैं, तो ऐसा कोई कानून जो आवाम के लिए मुश्किल का बायस बने, किसी छोटे सूबे के लिए मुश्किल का बायस बने, उसमें यकीनन तरमीम की जरूरत है। आप बताइए सर, हाजिर अभी इसके बाद हाजिर हो 2019-2020 का एक्ट है, मैं समझ गया बट सब आपकी बात बहुत अहम नुकते जो हमारे दो फर्स्ट चैलेंजेस है उसमें से एक है। देखिए पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की जगह पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाएगा। अब कमाल की बात यह कि सिंध से उसमें कोई नुमाइंदगी नहीं, उसमें सिंध से कोई नुमाइंदगी नहीं। दूसरा आप लोगों के इलम में होगा कि वो एमडी गेट का एग्जाम जो है, एमडी गेट का एग्जाम एक ही इदारा लेगा, 2 लाख बच्चे, 1,95,000 इनफैक्ट फिगर, 2 लाख बच्चे इस्लामाबाद में एग्जाम देंगे ऑनलाइन और वो तय करेंगे, उनकी परसेंटेज भी बहुत हाई है। अच्छा सूबों का सिलेबस डिफरेंस है, डिफरेंट है उसमें, तो उनकी तावीलात तौजीहात अपनी जगह, लेकिन इस सिस्टम में खराबी है, इस चीज में खराबी है कि ये एक तरह से आपने पता नहीं क्यों समझे एक मखसूस तबके को नवाज दिया है, इससे ये झलक आती है। और जिन लोगों को टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है उनका कोई माजी में तजुर्बा भी नहीं है, IBA NTS वगैरह जिस तरह होते हैं जो टेस्ट लेते हैं वो तो रजिस्टर्ड भी सुना है बाद में हुए, वो मैं देख रहा हूँ उस मसले को, फिर कहूंगा तो आप कहेंगे कि यार आप तो पॉलिटिकल बात करने लगे, लेकिन बहरहाल ये हुआ है, आपके सामने हुआ है और लोगों को उसमें शायद नवाजा भी गया है, लेकिन हतमी तौर पर भी नहीं कह सकते। यस हम इस PMC को रिव्यू करने जाएंगे, इंशाल्लाह जा रहे हैं इसमें, क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट है, इसमें हमें मुस्लिम लीग नून से हमारी बात हो रही है और उसके बाद हमारे मुर्तजा से भी बात होगी और बाकी दोस्तों हमारे JUIA यकीनन, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये स्टांस है और वैसे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम PMC को रिव्यू में ले जाए। इसके लिए बड़ी मुश्किल आते हैं, तुलवा को मुश्किल आते हैं, सूबों को, छोटे सूबों को मुश्किल आते हैं, तो ऐसा कोई कानून जो आवाम के लिए मुश्किल का बायस बने, किसी छोटे सूबे के लिए मुश्किल का बायस बने, उसमें यकीनन तरमीम की जरूरत है। आप बताइए सर, हाजिर अभी इसके बाद हाजिर होंगे।